आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी स्पेशल लेमन कोरिएंडर सूप, जो पीने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। ऐसे तो सभी तरह के सूप हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है और हम लोगों को इसे पीना भी चाहिए। सूप किसी भी मौसम में पिया जा सकता है, पर बरसात के मौसम में या फिर सर्दी के इस मौसम में गर्मा गर्म सूप पीना हम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। लेमन कोरिएंडर सूप में विटामिन सी रिच होता है, जो कफ और कोल्ड में भी बहुत फायदा करता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और झटपट बन भी जाता है। घर में जो भी सब्जियां उपलब्ध हो उसी से हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रख दिया है मैंने एक कड़ाही। इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल की जगह पर कोई भी ऑयल ले सकते हैं या घी या बटर भी डाल सकते हैं। यह सूप बहुत ही हेल्दी होता है और लो फैट सूप है। सूप में बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच बारीक कटा लहसुन लिया है और 1/2 इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो सबसे पहले तेल में हम लहसुन को डाल देंगे, इसी के साथ अदरक भी डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे सॉटे कर लेंगे। इसी के साथ एक बारीक कटा हरी मिर्च लिया है डाल देंगे। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता के डंठल को बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। इससे सूप में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1-2 सेकंड के बाद अब इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैंने एक एक स्मॉल साइज का फाइनली चॉप्ड ऑनियन लिया है, डाल देंगे। इस सूप में जो भी सब्जियां डालनी हो उसे फाइनली चॉप्ड करके ही डालना है। 1 छोटा बारीक कटा गाजर, एक करीब 2 बड़े चम्मच के बराबर है, डाल देंगे। मुझे सूप में थोड़ा ज्यादा सब्जियां पसंद है, तो मैं थोड़ा ज्यादा मात्रा में सब्जियां डाल रही हूँ। आप सब्जियां कम भी डाल सकते हैं। सभी सब्जियां 1.5-2 बड़े चम्मच के बराबर है। बारीक कटा बीन, बारीक कटा मशरूम, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च और 3 बड़े चम्मच बारीक कटा पत्ता गोभी ली हूँ, डाल देंगे। आप इसमें पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं। सभी चीजों को हम 2-3 मिनट भून लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। भूनने से इनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। सभी सब्जियों का क्रंच भी बना रहना चाहिए। 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैं ये सूप 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ये मैंने बड़ा गिलास लिया है। इसे 2 गिलास भर के पानी डाल देंगे, जो 1.25 कप के बराबर है। आप पानी की जगह पर वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर चख भी सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो नमक डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो आप इसे जरूर डालिएगा। इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे 5-6 मिनट पका लेंगे। इससे सभी सब्जियों का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं। ये देखिए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। जब तक ये उबल रहा है, इस सूप को थिकनेस देने के लिए कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेते हैं। आप चाहे तो बिना कॉर्नफ्लोर डाले भी इस सूप को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें 3-4 चम्मच पानी डालकर अच्छे से घोल लेंगे। इसमें किसी तरह का लम्स नहीं रहना चाहिए। तो सूप उबलते हुए 5-6 मिनट हो गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर वाला घोल को एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये तली में न बैठे। इससे हमारे सूप को थोड़ा थिकनेस मिल जाएगा। जितना थिकनेस आप पसंद करते हो उसी हिसाब से इसे ऐड कर सकते हैं। ऐसे तो सूप थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा गाढ़ा रहता है तो देखने में भी सूप अच्छा लगता है और पीने में भी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 1-1.5 मिनट और इसे कुक कर लेंगे। इसी बीच डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा धनिया पत्ता, यह 1/4 कप के करीब है, और मिक्स कर देंगे। ये लेमन कोरिएंडर सूप है, तो इसी के साथ हम 1 लेमन का जूस ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। लेमन का जूस हमेशा लास्ट में ही डालेंगे, नहीं तो सूप में कड़ुआपन आ जाता है। तो सूप की कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ना ज्यादा गाढ़ा है और ना पानी जैसा।
तो दीजिए, लेमन कोरिएंडर सूप पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गर्मा गर्म इस सूप को हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा, यमी और हेल्दी सूप बना है। यह हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और पीने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे हम थोड़े से धनिया पत्ते से गार्निश कर देते हैं। तो कैसी लगी हमारी लेमन कोरिएंडर सूप की रेसिपी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।